मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलेलाइथियसिस के बारे में। इसका मतलब होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, मींस पित्ताशय में पथरी हो जाना। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये क्या है और ये किस कारण से होती है और हम इसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लें कि कोलेलाइथियसिस क्या होती है। मेडिकली टर्म में, यानी कि मेडिकली नेम है, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है, मीन्स पित्ताशय में जब पथरी हो जाती है, उसको हम मेडिकली टर्म में क्या बोलते हैं? कोलेलाइथियसिस। ठीक है, ये क्या होती है? ये हार्ड डिपॉजिट होती है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कहाँ पे होती है? अगर ये आपकी लीवर है, अगर ये आपकी लीवर है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये मैं रफली बना देती हूँ। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर होती है। ठीक, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होती है। लीवर क्या करती है? लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करती है। लीवर से बाइल जूस निकलती है और वो बाइल जूस जा करके इस गॉल ब्लैडर में जमा होती है। गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसकी जो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाती है जा करके गॉल ब्लैडर में, और ये जमा करती है। बाइल जूस का क्या काम होती है? बाइल जूस हमारे बॉडी में मौजूद, जो हम खाते हैं, जो हम फास्ट फूड खाते हैं या फिर कोई भी फूड खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो, जिसमें फैट्स हो, उन सभी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ताकि ब्लड में जो नॉर्मल रेगुलेशन होती है ब्लड की वो अच्छे से हो पाए और ब्लड में जितनी अमाउंट होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की उतनी ही अमाउंट रहे, वो उससे ज़्यादा ना हो, ताकि बॉडी में और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें क्या होती है? इसमें स्टोन हो जाती है। वो स्टोन क्या होते हैं? एक तरह से हार्ड डिपॉजिट, जो बाइल जूस में जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वही जा करके उसमें जमा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गॉल स्टोन है वो दो टाइप की होती है। जो स्टोन भी होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा है पिगमेंट स्टोन। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन बहुत ही कॉमन टाइप है, मीन्स अधिकतर लोगों को ये होती है। और ये किस तरह से फॉर्म करती है? जब बॉडी में, यानी कि जब ब्लड में बाइल जब ज़्यादा हो जाती है, जब ब्लड में जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हो जाती है, मतलब यहाँ पे जो बाइल है ये ज़्यादा हो जाएगी, इसमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। अगर ब्लड में ज़्यादा है तो जो ये डाइजेस्ट करने के लिए जब ये सिक्रीट होगी तो इसमें भी कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा होगी, और बाइल से अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गई तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगी, तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगी? कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगी और वो स्टोन का, यानी कि एक छोटा सा पत्थर का रूप जमा होते होते एक जगह पर वो छोटे से एक पत्थर का रूप ले लेगी, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन, और ये बहुत अधिक लोगों में होता है। दूसरा क्या होती है? दूसरा होती है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन क्या होती है? कि एक्सेस बिलीरुबिन हो जाती है बाइल जूस में। ये जो बाइल जूस है इसमें बिलीरुबिन की मात्रा एक्सेस हो जाती है। अगर बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन क्या होती है कि जो RBC होते हैं हमारे बॉडी में, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो बनते हैं और फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। वो बन जाते हैं और फिर एक समय के बाद वो खुद पे खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन इस प्रोसेस में जिसमें पिगमेंट स्टोन हो गई हो बाइल जूस में, उसमें बिलीरुबिन बढ़ जाती है, मतलब कि जो RBC है, जो डिस्ट्रॉय हुई है, जो एज अ वेस्ट जिसको बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल करके एक्सेस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन। वो क्या होती है? RBC ही होती है, लेकिन वो एज अ वेस्ट होती है, जो डिस्ट्रॉय ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि बाइल जूस में एक्सेस बिलीरुबिन की मात्रा हो गई है, मतलब जो RBC है, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको एक्सक्रीट होना था लेकिन वो एक्सक्रीट नहीं हो करके वो क्या हो रही है? वो जमा हो जा रही है, जिसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन। तो उसको हम मेडिकली, जो हम उसको अगर रिमूव करना चाहे तो हम उसको सर्जरी करके ही रिमूव कर सकते हैं। ये ऐसे खुद पे खुद एक तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, इसको क्या करते हैं? सर्जरी हम करके ही रिमूव करते हैं। तो पिगमेंट जो स्टोन है वो कम लोगों में होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टोन से ज़्यादा जो सीवियर केसेस होती है वो पिगमेंट स्टोन में होती है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे पित्ताशय में पथरी हो जाती है, मीन्स गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है? इसके अलावा भी कुछ और भी कारण हो सकते हैं, कुछ और भी कॉज हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉज ऐसे हैं जो होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होती है? जो कंप्रेस होती है, यानी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो और सभी जो ऑर्गन्स होती है वो कंप्रेस होती है, जिसके कारण जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है लीवर में। अगर ये लीवर है तो
अगर ये लीवर है तो इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो इसमें जो बाइल होती है वो खाली नहीं हो पाती है। जब ये खाली नहीं हो पाएगी तो इसमें का जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे, जो सॉलिड सब्सटेंस है इसमें, वो धीरे धीरे एक जगह पे जमा होना कहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि वो स्टोन का रूप, यानी कि थोड़ा सा छोटा सा एक जो स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में वो जमा यहाँ पर हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में ये समस्या हो सकती है। दूसरा है बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब बिलियरी ट्रैक क्या है? यहाँ पर जो ये होती है, जिससे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे गॉल ब्लैडर के बाद इधर यहाँ पे जमा होती है, उसको हम बोलते हैं बिलियरी ट्रैक। मीन्स जो बाइल जूस इससे निकलती है और जमा होती है साथ में, ठीक है, तो हम इस ट्रैक को बोलते हैं बिलियरी ट्रैक। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए कोई बैक्टीरिया के कारण या फिर कोई वायरस के कारण, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, उस कंडीशन में भी स्टोन होने की संभावना हो सकती है। लीवर सिरोसिस, अगर लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर में कोई डिजीज़ है जिसके कारण जो बाइल जूस है वो सही से यहाँ पर जमा हो गई है, या फिर हो सकती है कि यहाँ पर बाइल जूस प्रॉपरली आए ही ना, तो हो सकती है कि यहाँ पर स्टोन की जो फॉर्मेशन है वो स्टोन बनना स्टार्ट हो जाती है, उसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कारण वजह हो सकती है सिकल सेल एनीमिया या हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होती है, इसमें जो आरबीसी है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। मींस हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो बनती है और फिर वो डिस्ट्रॉय भी होती है, लेकिन उनका एक टाइम होता है कि बनती ज़्यादा है और डिस्ट्रॉय कम होती है। लेकिन इस कंडीशन में, इस बीमारी में क्या होती है कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। मीन्स ब्लड क्या होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, बनने की अपेक्षा वो कम बनती है और डिस्ट्रॉय ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होती है कि जो डिस्ट्रॉय होगी तो वो क्या होगी, वो एक तरह से ब्लड में घूमेगी, और जब ब्लड में घूमेगी तो वो फिर यहाँ पे डाइजेस्ट होने के लिए, यानी कि वेस्ट को कौन वो करता है, डाइजेस्ट करता है, बाइल जूस करता है। अगर वो यहाँ पे आएगी तो वो एज अ वेस्ट यहीं पे बाइल में हो जाएगी, और बाइल में वो बाइल की जो मात्रा है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो बाइल क्या करेगा, बाइल उसको फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, या फिर बाइल उसको एज अ वेस्ट फिर बाहर निकाल नहीं पाएगा, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉडी में, यानी कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के कारण हो सकती है। डायबिटीज़ में क्या होती है कि पैनक्रिया ही सही से काम नहीं करती है, तो बॉडी का जो अदर फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। ईटिंग वेरी लो कैलोरी, अगर हम बहुत लो कैलोरी खाएंगे, जिसके कारण क्या होती है, जो वेट है वो बहुत ज़्यादा ही कम होने लगती है किसी व्यक्ति की, तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। ज़्यादा वेट है या फिर मोटापे की जो शिकायत होती है किसी पुरुष में या फिर किसी औरत में, उस कंडीशन में भी हो सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा फैट होगा तो बाइल उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा, और जब वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो स्टोन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो कहाँ पे होती है, बोन मैरो हमारे बोन के बीच में होती है, ठीक है। बोन मैरो ही रेड ब्लड सेल्स बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है, इसके अलावा वो प्लेटलेट्स भी बनाती है, ठीक है। स्पेशली जो बोन मैरो होती है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती है, ठीक है, इसके अलावा वो येलो वाला भी बनाती है। तो मैंने बोन का जो अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर है वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, अगर आपको वो देखना है तो आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। तो जो बोन मैरो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती है, लेकिन अगर बोन मैरो की ट्रांसप्लांट हुई है किसी में, किसी व्यक्ति में, तो हो सकती है कि स्टोन फॉर्मेशन होने की संभावना ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इंट्रावेनस न्यूट्रिशन, अगर कोई व्यक्ति कोमा में है या कोई व्यक्ति की सर्जरी हुई है जिसके कारण वो मुंह से कुछ खा पी नहीं सकता है, तो उसको इंट्रावेनसली जो वेन में उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, इसके कारण क्या हो सकती है, स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है कि बाइल जूस उसको सही से डाइजेस्ट ना कर पाए, जो भी न्यूट्रिशन उसको दिया गया है उस न्यूट्रिशन को। इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लामेशन, मीन्स इंटेस्टाइन में सूजन हो जाती है। वो इंटेस्टाइन क्या हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। तो अगर इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में अगर सूजन हो गई है, तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा और बाइल जूस भी उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिससे बाइल जूस के, यानी कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हुआ है वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है, पथरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है, मींस पथरी हो जाती है, तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पे लक्षण लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे लक्षण हम देख सकते हैं उस पेशेंट में, ठीक है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले हम ये जो देख लें, सबसे पहला सिम्टम है इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी और जो गॉल ब्लैडर है, मीन्स जो पित्ताशय है, उसमें सूजन हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोलेसिस टाइटिस, ठीक है। कोलेसिस टाइटिस हम बोलते हैं जब
गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन में सूजन हो जाती है उस कंडीशन में, ठीक है, मेडिकली टर्म में हम इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है कि पेशेंट को पेन फील होगा एब्डोमेन के बीच में, यानी कि चेस्ट के जस्ट नीचे, और फिर राइट एब्डोमेन में जो दायां हाथ है उसके साइड में पेन फील होगा, दर्द फील होगा, और वो धीरे धीरे शोल्डर तक दर्द फैल जाएगा, और फिर उसको वो पूरे शोल्डर में, यानी कि पूरे शोल्डर से लेके आर्म में उसको दर्द महसूस होगा। तीसरा है एब्डोमन में स्वेलिंग हो जाएगी, जो पूरा एब्डोमन एरिया है, मींस कहाँ से कहाँ तक, थोरेसिक कैविटी जो लंग्स है उसके जस्ट नीचे से लेकर के पेल्विस कैविटी के ऊपर तक, ठीक है, पूरा जो एब्डोमन है जिसमें आते हैं हमारे ईसोफेगस आ गए, स्टमक आ गए, इंटेस्टाइन आ गए, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सभी कहाँ होते हैं, ये सभी हमारे एब्डोमन वाले एरिया में होते हैं, तो इन सभी को बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। तो उस एरिया में क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और वो थोड़ा सा फूला हुआ जो हमारा जो पूरा पेट है, यानी कि जो लंग्स के नीचे ये जो थोरेसिक कैविटी है उसके जो जस्ट नीचे जो पेट है, ये पूरा हम जिसको पेट बोलते हैं, ऊपर से पूरा जो एरिया है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा फूला हुआ, यानी कि डिस्टेंशन उसमें हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल टेंडरनेस, जो अगर हम ऐसे ऐसे ऊपर से टच करेंगे एब्डोमन को तो वो थोड़ा सा हमें टाइट टाइप का फील होगा। गॉल बैटर में डिस्टेंटेड हो जाएगी, मींस गॉल बैटर में डिस्टेंशन हो जाएगी, क्या मतलब, इसका मतलब है कि वो थोड़ा तना हुआ, वो थोड़ा सा खिंचा हुआ हो जाएगा, और वहाँ हो सकती है कि इन्फेक्शन भी हो जाए, जिससे वो गॉल बैटर इन्फेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, या फिर गॉल बैटर में सूजन भी हो सकती है। क्ले कलर्ड स्टूल, जो स्टूल है जो एज अ वेस्ट, जो स्टूल सॉलिड मटेरियल रेक्टम से जो निकलती है एनस के थ्रू, ठीक है, वो क्या हो सकती है, वो मिट्टी के कलर की हो सकती है। लो ग्रेड फीवर होगी, मींस फीवर तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज फीवर नहीं होगी पेशेंट को, थोड़ा सा कम, नॉर्मली जो जितनी फीवर होती है उतनी होगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, लो ही रहेगी फीवर, लेकिन उसको ठंड महसूस होगी जब उसको बुखार होगा उस टाइम में, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी उस पेशेंट को जिसमें पथरी में, जो पथरी हो गई है गॉल ब्लैडर में, अगर स्टोन हो गई है तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसको भूख बहुत कम लगेगी, ठीक है। उसको नौजिया होगी, नौजिया मीन्स वॉमिटिंग करने का, उल्टी करने का उसको मन करेगा, जब उसको मन करेगा या तो उल्टी होगी या फिर उल्टी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और जो उसका स्किन का कलर है वो उसका पीला पड़ने लगेगा, और जो उसकी आँखें हैं मीन्स ये जो आँख के नीचे जो रेड रेड दिखती है जिसमें ब्लड वेसल्स आते हैं, वो जो है वो वाइटिश होने लगेगी, वो वाइट होने लगेगी, इसका मतलब है कि पेशेंट को जॉन्डिस हो सकती है। तो ये सभी लक्षण है, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए हैं तो इन सभी लक्षण को हम देख सकते हैं उस पेशेंट में, या ये सभी लक्षण हो सकते हैं उस पेशेंट में। अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो कौन कौन सी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसको मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ देंगे। दूसरा है सर्जरी, अगर स्टोन ज़्यादा सीवियर हो गई है तो सर्जरी करके उसको रिमूव करना होगा। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी क्या होती है, ये एक थेरेपी होती है जिसमें शॉक दिया जाता है ताकि वो जो स्टोन है वो टूट सके, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट है जो जाता है जब स्टोन हो जाती है उस कंडीशन में। लो फैट डाइट देंगे, लो फैट डाइट क्यों देंगे, ताकि जो हार्ट अटैक है उसको कंट्रोल कर सके, उस वो हार्ट अटैक पेशेंट को ना आए। इसका मतलब है कि जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने के कारण हुई है वो स्टोन, तो हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में अगर ज्यादा हो जाएगी तो जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारे वेन्स या फिर जो आर्टरीज है, उसमें ब्लॉकेज हो जाएगी। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिलेगा, और जब हार्ट को ब्लड नहीं सप्लाई होगा तो हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं करेगा, और पूरे ऑर्गन्स को जो शुद्ध ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो नहीं पहुंच पाएगी, जिससे ऑर्गन डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके कारण हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, हार्ट अटैक उस पेशेंट में आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए लो फैट डाइट देंगे, ताकि जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में कम हो, और जो वेन्स या फिर जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज आने के चांसेस भी कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद विटामिन के देंगे, विटामिन के क्यों देंगे, क्योंकि इसके पहले हमने लक्षण पढ़ा है कि जो जिसको स्टोन हो जाती है उसको ईचिंग होती है, मतलब उसको को खुजली होती है, उसको जॉन्डिस हो जाती है, ब्लीडिंग की समस्या, यानी कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो और बाहर से वो नहीं हो लेकिन अंदर ही वो ब्लीडिंग हो, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या फिर टेंडरनेस जो वहाँ पे तनाव हो गया, जो बहुत वो टाइट ऑर्गन हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर स्टोन है तो एब्डोमन में टेंडरनेस हो जाती है, एब्डोमन जो है वो बहुत तना हुआ दिखता है, वो बहुत छूने से आपको टाइट दिखेगा, तो सभी चीज़ों को रोकने के लिए, या फिर
जो स्टोन हो गई है उसके कारण बॉडी में वाइटामिन के की डिफिशियंसी हो गई है, वाइटामिन के की कमी हो गई है, तो उन सभी के लिए हम वाइटामिन के देते हैं। अगर खुजली होती है या फिर जॉन्डिस होती है या फिर ब्लीडिंग होती है या फिर टेंडरनेस होती है तो हम क्या देंगे, हम वाइटामिन के प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, वाइटामिन के हम देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सीवियर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस अगर सीवियर है और अचानक से अगर इन्फ्लामेशन हो गई है, मींस जो जो गॉल ब्लैडर है उसमें अगर स्टोन हो गई है और बाद में फिर उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है अचानक से, ठीक है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देते हैं और आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं। कब देते हैं? सर्जरी करने से पहले, ठीक है, ये अक्सर दिया जाता है क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन हो गई है या फिर अगर सूजन हो गई है अचानक से तो सर्जरी करके रिमूव करना उस स्टोन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो स्टोन रिमूव नहीं हो गई होगी तो हो सकती है कि जो गॉल ब्लैडर है वो फट भी जाए। तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, तुरंत सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी करने से जस्ट पहले हम क्या देते हैं, हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को या फिर हम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट होती है गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए उस कंडीशन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।